हाय दोस्तों, मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं दाल का पकौड़ा का सब्जी बनाने वाला हूँ। दोस्तों देख लीजिए, मैं कढ़ाई पे तेल डाला हूँ। अभी मैं दाल पीस लिया हूँ दोस्तों, रात को भिजा के रखा था मसूर का दाल। उसमें अभी प्याज और नमक और हल्दी मिक्स करके इसका हम पकौड़ा बना लेंगे दोस्तों। उसके बाद हम इसका आलू दे के सब्जी बनाएंगे। देख लीजिए, मैं इसमें प्याज भी ले लिया हूँ। और दोस्तों मैं दाल पीसते हुए आपको नहीं दिखाया, मैं दाल को रात को भिजा के रखा था और सुबह मैं इसको मिक्सर में ढाल के पीस लिया हूँ। एकदम हल्का सा पीसा हूँ, ज़्यादा नहीं। फिर इसमें हल्दी, नमक और प्याज देखे, मैं इसको मिला के अभी हम इसका पकौड़ा बनाएंगे दोस्तों। उसके बाद हम इसका सब्जी बना के आपको दिखाएंगे। आप वीडियो में बने रहिए। देखिए, हम इसका पकौड़ा निकाल लेंगे। आपको दो तीन बार मैं पकौड़ा बना के दिखाऊँगा। इतने ही तेल में हम पकौड़ा बनाएंगे दोस्तों, हम ज़्यादा तेल नहीं देंगे इसमें। और ये दाल का पकौड़ा का सब्जी बहुत अच्छा लगता है। हमारा बंगाली में इसको बोलता है दाल का डायलर बरार तरकारी। तो आप हिंदी में मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे समझ लीजिए, बंगाली में भी बोल दिया हूँ तो इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी हम इसका पकौड़ा बना के इसको मैं सब्जी बनाने वाला हूँ दोस्तों, तो इसलिए हम उसको एकदम कुरकुर वाला फ्राई नहीं करेंगे, हम हल्का फ्राई करेंगे। हल्का मतलब उसको पकाएंगे, क्यों हम इसमें झोल में डालेंगे। और मैं पहले भी दिया हूँ दोस्तों दाल का पकौड़ा का सब्जी, और आप नहीं देखे होंगे तो चैनल पर जाके देखिए, नहीं देखे होंगे तो मैं अभी वीडियो बना के छोड़ने वाला हूँ, वो आप देख लीजिएगा। और दोस्तों मेरा चैनल पे बहुत सारा वीडियो है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी करिएगा दोस्तों। और जिसने अभी तक मेरा वीडियो को सब्सक्राइबर नहीं किया, आप लोग कर लीजिए। जब मैं नया वीडियो छोड़ेगा दोस्तों तब आपके पास पहुँच जाएगा तुरंत, आप सब्सक्राइबर करके रखेंगे तो। देखिए, हमारा जो पकौड़ा है मैंने उसको अभी पलटी करने का, बहुत आराम से करने का दोस्तों, इसको टूटना नहीं चाहिए। और आप तेल कम ही देके बनाइएगा। मैं देखिए एकदम कम थी तेल में आपको दिखा रहा हूँ, ज़्यादा तेल नहीं। इस तेल में हम सब्जी भी बनाएंगे, एकदम अच्छा से धीरे धीरे करके पलटी बनाएंगे। और दोस्तों ये सब्जी बहुत टेस्टी होता है, दाल का पकौड़ा का सब्जी। आपके घर में कुछ नहीं रहेगा तो आप बना के खा सकते हैं। ये रात को दाल भिजा देने का और दूसरा दिन आप इसका सब्जी बना के खाइएगा, बहुत टेस्टी होता है ये सब्ज़ी। मतलब आराम से पलटी मारने का, टूट ना जाए हमारा दाल का पकौड़ा। और आप ऐसे भी खा सकते हैं इसको सॉस का साथ, जैसे आपको खाना है तो सॉस का साथ आप दाल ज़्यादा करके भिजाइए, भिजा के फिर पीस के फिर आप इसको सॉस का साथ खाइए, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। हरा मिर्ची भी देखिए, आप इसको पकौड़ा बना सकते हैं। मैं हरा मिर्ची नहीं देखी, मैं सब्जी में डालने वाला हूँ दोस्तों। देखिए, हमारा पकौड़ा एक बार बन के रेडी हो गया। मैं आपको दूसरा बार भी फिर पकौड़ा बना के दिखाऊँगा। एक बार आपको बना के दिखाया, मैं दूसरा बार भी दिखाऊँगा आपको। और तो बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों मेरा वीडियो आप फेसबुक पेज से देखते हैं तो मुझे फॉलो करिए, लाइक शेयर करिए। और यूट्यूब से देखते हैं तो सब्सक्राइबर करिए दोस्तों। मैं थोड़ा सा तेल और दिया हूँ, जो कम हो गया तेल। अभी हम बाकी बहुत सारा हमें पकौड़ा है इसलिए मैं बनाने के लिए, इसलिए थोड़ा और पकौड़ा है उसमें बना लेते हैं। आप देखिए, और आप जब दाल को रात को भिजा के रखिएगा, पीसिएगा तो उसमें पानी मत डालिएगा, नहीं तो गीला हो जाएगा, आपको हाथ में ऐसा आएगा नहीं। तो आप बिना पानी के उसको पीसिएगा, और हल्का ही पीसने का, ज़्यादा एकदम महीन नहीं करने का। और हम आलू काट के रखे, उसको भी हम पकौड़ा होने के बाद हम इस तेल में आलू को भी फ्राई कर लेंगे। और मसाला में दोस्तों पीस के रखा हूँ, क्या बोलते हैं, लहसुन लिया हूँ, अदरक छोटा सा, अदरक का टुकड़ा लिया 10-12 लहसुन का गले लिया हूँ, एक प्याज लिया हूँ छोटा सा, और 3-4 टमाटर लिया हूँ दोस्तों, और जीरा लिया हूँ आधा चम्मच। उस सबका मसाला मैं पीस के रखा हूँ एक साथ ही। और थोड़ा एक दो दालचीनी का भी ये दिया हूँ, दालचीनी, इलायची, ये सब, क्यों उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। देखिए, हमारा पकौड़ा दोस्तों पूरा बन के रेडी है। इसमें से कोई कोई पकौड़ा सॉस के साथ भी आप खा सकते हैं। अभी इसमें इतने ही तेल पे आलू फ्राई कर लेते हैं, फिर आलू को हम निकाल के फिर आपको मसाला फ्राई करते दिखाएंगे। दोस्तों मैं वीडियो में चैनल पे नॉन वेज, वेज, वेजिटेबल में बहुत सारा रेसिपी दिया हूँ दोस्तों, आप जाके देखिएगा चैनल पर, आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा। देखिए, हमारा आलू फ्राई हो चुका है दोस्तों, हल्का ही फ्राई किया मैंने, क्यों मसाला के साथ फिर फ्राई करेंगे। अभी हम इसको निकाल देंगे, उसके बाद हम इस पर और तेल डाल के फिर हम मसाला फ्राई करेंगे।
और टमाटर हम पीस के दिए तो हम काट के टमाटर नहीं देंगे इसमें। थोड़ा सा तेल और दिया, अब इसमें मसाला फ्राई करेंगे। अब इसमें तेजपत्ता और जीरा का छोंक देंगे दोस्तों, ये जीरा है। और प्याज भी दिया हो दोस्तों, प्याज के भी छोटा थोड़ा सा ही प्याज लिया हो, ज़्यादा नहीं। अभी जो हम मसाला फ्राई करके रखे वो भी हम डाल देंगे हमारा प्याज फ्राई होते ही। देखिए ये मसाला है, मैं पूरा एक साथ सब पीस लिया था, अभी हम उसको भी ऐड कर दिए। अब इसमें हम मसाला सब ऐड करेंगे। थोड़ा सा लगा हुआ था मिक्सर में दोस्तों, वो भी मैं हम ठीक से धुलाई करके डाल दिए। नमक देंगे दोस्तों, एक चम्मच नमक दिया मैंने, एक चम्मच और आधा डेढ़ चम्मच नमक दियो। और हल्दी पाउडर दिया दोस्तों आधा चम्मच, ज़्यादा नहीं दिया, और हल्दी पाउडर कम ही देने का होता है। अब इसमें धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर देंगे दोस्तों, धनिया पाउडर है दोस्तों। और जीरा मैं पीस के दिया हूँ, तो जीरा का पाउडर मैं ऐड नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जीरा पीस के देता हूँ दोस्तों, मैं अक्खा जीरा ही खाता हूँ। एक चम्मच दिया हम धनिया पाउडर, अब हम मिर्ची पाउडर देंगे। मिर्ची पाउडर भी एक चम्मच दिया दोस्तों, और थोड़ा सा दिया हूँ, अच्छे से मिला लेंगे इसको। और इसमें दोस्तों मैं, आपके पास गरम मसाला है तो आप दे दीजिएगा, मैं इसमें मटन मसाला दे रहा हूँ, और मटन मसाला का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसमें, तो इसका आपके पास होगा तो आप दीजिए, नहीं तो गरम मसाला दीजिएगा, गरम मसाला से भी बहुत अच्छा होता है दोस्तों। ये देखिए ये मटन मसाला है, तो हम मटन मसाला ऐड करने वाला है इसमें, आप ऐड कर दिए। अब इसको एक दो मिनट फ्राई करेंगे, फिर आलू हम डालेंगे जो हम आलू फ्राई करके रखे। मसाला फ्राई हो गया हमारा अच्छे से, देखिए कलर भी अच्छा आया एकदम। थोड़ा सा पानी और ऐड किए मसाला फ्राई करके, हो गया। अभी हम आलू ऐड करेंगे इसमें, देखिए देखिए दोस्तों पानी ढाला, थोड़ा सा पानी ढाल के भी फ्राई किए। अब इसमें हम और पानी डाल देंगे, क्योंकि हमारा आलू सीझा हुआ नहीं है, कच्चा आलू को हम फ्राई किए थे, आलू सीझना पड़ेगा, तो इसलिए हम पानी डालेंगे इसमें अभी। और दोस्तों जब तक आप बना के खाइएगा नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा सब्ज़ी कितना टेस्टी बना है। आप बना के खाइए, और प्लीज़ मुझे भी कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा रेसिपी कैसा लगा। अभी इसको हम ढक देंगे थोड़ा और पानी डाल के, आलू हमारा सीझने देंगे, उसके बाद हम उतारने का टाइम पे हम जो दाल का पकौड़ा बना के रखे उसको हम ऐड करेंगे। देखिए आलू सीझ गया, थोड़ा देखेंगे आलू सीझ गया, और एक दो आलू तोड़ देंगे दोस्तों इसमें। हम दाल का जो पकौड़ा है उसको भी हम डाल दिए इसमें, और दाल का पकौड़ा डालने के बाद थोड़ा पानी देते हुए डाल दिए डालिएगा, एकदम सूखने के बाद मत डालिएगा, क्योंकि तो आपका जो दाल का पकौड़ा है वो करक करक लगेगा। अभी थोड़ा एक दो उबाल आएगा तब हम उतारेंगे इसको, तो हमारा जो दाल का पकौड़ा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, कि उसका अंदर भी थोड़ा झोल उल घुस, मतलब जो हम झोल डाले वो भी अंदर जाएगा,
तो थोड़ा नरम होएगा तो खाने में और अच्छा लगेगा। इसको हम थोड़ा और पकाएंगे, उसके बाद हमारा दाल का पकौड़ा का सब्जी बनके रेडी है। आप इसको गरम गरम भात के साथ खाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए दोस्तों, हमारा दाल का पकौड़ा का सब्जी बनके रेडी है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बाय दोस्तों।